हेलो व्यूअर्स, आज हम लो कैलोरी वीगन आइसक्रीम बनाएंगे। इसके लिए ये मैंने दो बनाना लिए हैं। इसको मैंने फ्रीजर में 2 घंटे के लिए रख दिए हैं और ये बिल्कुल चिल हो गए हैं। अब हम इसको एक मिक्सर जार में इसको डाल लेंगे। बनाना के खुद के अंदर ही ये बहुत ही स्वीट होता है, इसलिए इसके अंदर शुगर डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये मैंने कोको पाउडर लिया है, ये भी शुगर फ्री है, सिर्फ कोको पाउडर है। इसको हम 2 चम्मच जितना लेंगे। अगर आप चाहें तो कोको पाउडर की जगह पे आवाकाडो या फिर स्ट्रॉबेरी या फिर ब्लूबेरी, कोई भी फ्रूट डाल के इसकी आइसक्रीम बना सकते हैं। बेस में आपको बनाना रखना होता है जिससे इसका क्रीमी टेक्सचर आ जाए। ये वनीला एक्सट्रैक्ट है, इसको भी मैं 1 चम्मच जितना डाल रही हूँ। बनाना से ये आइसक्रीम हमारी सॉफ्ट बनेगी और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा इसके अंदर दूध बिल्कुल नहीं डला हुआ है। और बनाना के अंदर शुगर कंटेंट रहता है, इसलिए हमें शुगर डालने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए कितनी अच्छी बन गई है हमारी आइसक्रीम। अब हम इस मिश्रण के अंदर थोड़ी सी चोको चिप्स डालेंगे जिससे हमारी आइसक्रीम और टेस्टी बन जाएगी। और थोड़े से ड्राई फ्रूट है, इसको भी मैंने दरदरे कूट लिए हैं, इसको भी हम इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर शुगर भी नहीं है और डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं है, इस वजह से ये बहुत ही लाइट रहती है और गर्मी में आपको ठंडक भी दिलाती है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। आप ख्याल रखें कि एयरटाइट कंटेनर हो जिससे इसके अंदर आइस ना जमे। और ऐसे थोड़े से अछाड़ लेंगे ताकि इसके अंदर से एयर बबल निकल जाए। अब हम 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीजर में इसको रख देंगे। तो तैयार है हमारी आइसक्रीम। ये बहुत ही क्रीमी और यम्मी लगती है, प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर